लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी पटना में हूं और अब तमिलनाडु प्रकरण के मामले में मार्च में घटना घटी थी जो बिहारियों को जिस तरह से वहां पर मारा पीटा जा रहा था और वहां से भगाया जा रहा था, वो वीडियो को लेकर के वायरल वीडियो हुआ था। उस वीडियो के प्रकरण में मनीष कश्यप खास करके उनको तमिलनाडु पुलिस अरेस्ट करके ले गई, NIA केस लगा और अभी तक वो जेल में है, तमिलनाडु जेल में। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में आए हैं और वो जिस वीडियो को वो वायरल किए थे, उस वीडियो के लेकर के जिस वीडियो में वो एक्ट किए हैं, वही अनिल यादव आज मेरे साथ हैं और हम अनिल यादव समझेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर ये क्यों उस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर हुए, मजबूरी था या इनसे किसी तरह से ठगी के शिकार हुए या स्क्रिप्टेड वीडियो दे करके दिया कुछ और एडिट करके कुछ और दिया, सारे बातों पर हम बात करें। आपने ऐसा क्यों किया कि एक तो बिहार बदनाम हुआ ही और तमिलनाडु में बिहारियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया और एक मनीष कश्यप को आपके कारण जेल में जाना पड़ा और जेल में अभी तक जेल में सर रहे हैं वो? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मेरे कारण मनीष कश्यप जी को जेल जाना पड़ा, ये बिल्कुल ही सरासर निराधार है। कैसे निराधार है बताइए? ये है, कहीं ना कहीं जो भी वो वीडियो है, ठीक है, वो एक फेक और धूर्त आदमी के द्वारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया और धोखे में रख करके, बिल्कुल ही अंधेरे में रख करके उस वीडियो को बनवाया गया है और उसको एक जिस तरह से उसने बताया कि एक नाट रूपांतरण है, इसको समाज को एक क्या कहते हैं अच्छे मैसेज देना है, स्क्रिप्ट के बिल्कुल विपरीत उसने वीडियो चलाया है। और शुरू से हम उस आदमी को धूर्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने शुरू से नाम भी हम लोग को गलत बताया है। क्या नाम बताया था? बताया उसने हनी सिंह, जबकि जब केस हुआ, जब पेपर में बातें छपी तो हमने जब पढ़ा तब पता चला उसका नाम था राकेश रंजन कुमार सिंह। अच्छा, ठीक है, और जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं और अपने चैनल के पहले से आपको जान पहचान थी क्या उनसे? हाँ, इसी तरह से सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जाने थे और सारा कुछ स्क्रिप्ट तैयार करके इस तरह से उसने अंधेरे में रख करके काम किया है और जिसका कहीं ना कहीं शिकार हम हूँ। और आज देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय के शरण में है और उस न्यायालय के सामने यही बात कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि मैं निर्दोष हूँ, हमको जो भी कुछ करवाया गया है वो एक फेक, फर्जी और एक धूर्त लोगों ने करवाया है और इसका साजिश के तहत आज हम शिकार हो चुके हैं। हम नहीं, कभी नहीं चाहते हैं कि तमिलनाडु और बिहार और कहीं कहीं खास बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को इस तरह से कहीं बदनामी का बात झेलना पड़े, कतई नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से स्क्रिप्ट वीडियो चलाया गया है, वो उस वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं हमको लोग गुनहगार और दोषी मान रहे हैं। नहीं, आप दोषी हैं भी, एक मिनट के लिए, हम मानते हैं, हम नहीं मतलब मान, अभी हम मान रहे हैं इसलिए कि आपके, आपको राकेश कुमार सिंह क्या बोला, क्या कह करके आपसे वीडियो बनवाया? उसने ये बोला कि एक स्क्रिप्ट वीडियो बनाते हैं जिसने स्क्रिप्ट तैयार किया और उसमें ये बताया कि जिस तरह से फेक और फर्जी तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है उसका काट निकालना है कि सारे फेक वीडियो है, उस वीडियो पर भरोसा ना करें, उसमें डिस्क्लेमर चलाएंगे, उसमें सब कुछ लिखेंगे। लेकिन बिना कुछ लिखे, बिना कोई डिस्क्लेमर, आगे पीछे जितना भी बात था सब कुछ काट के उसने, जो होता है ना, जैसे कि कोई नेताजी हैं भाषण दे रहे हैं उसमें कुछ विवादास्पद बात को, मतलब विवादास्पद पार्ट को काट करके कई लोग उसको चला देते हैं, तो वही कुछ हुआ, सब कुछ बात को काट करके उसको उसने चला दिया और ऐसा लग रहा है कि वो सही वीडियो है। लेकिन जब आप काम कर रहे थे, आप तो एक्टिंग कर रहे थे उसमें, एक्टिंग कर रहे थे उसमें, क्या आपने पट्टी उट्टी बांध लिया था सर पे? नहीं, वो सब कुछ उसने बांधा था। ठीक है, बांधा था पट्टी उट्टी। और वो क्या था डायलॉग एक्टिंग, वो बताइए उसमें क्या सीन था? क्या वो ऐसा था कि जिस तरह से उसका रूम था, ठीक है, उसका रूम था, सारा कुछ सामान उन पैक करके सिस्टम जो है सो, जिस तरह से होता है ना एक फिल्म रोल, घर से यहाँ से जा रहे हैं, हाँ, सामान उन पैक करके सब कुछ वहाँ उसने तैयार रखा था, फिर वहाँ पर रूम में ले जाया गया। इसके बाद जो है सो पट्टी उट्टी बांध करके, और भी कुछ लोग थे तो वहाँ पे जो और भी कुछ एक्टिंग करने वाले थे, सब कुछ पट्टी उट्टी बांध करके वहाँ तैयार था। इसके बाद वो जिस तरह होता है ना फिल्म रोल में, सब कुछ उसने तैयार करके वहाँ पे वीडियो शूट किया और बताया कि इसको एक स्क्रिप्ट और डिस्क्लेमर के द्वारा चलाना है। जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ वीडियो ऐसे भी आप लोग के सामने गया होगा जिसमें कि हम लोग हंस रहे हैं और एक फ़नी मूड में है, और इससे यह पता चलता है कि कहीं कहीं वो स्क्रिप्ट है और सारे कुछ पार्ट को काट करके हटा दिया गया है और जो मेन है, जो जहाँ पर सीरियस बातें हैं उसको न्यूज़ और आधार मान करके सब लोगों ने उसको शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो धोखा हुआ मेरे साथ, ये धोखा हुआ जिसने वो वीडियो बनवाया है, वो कई बार रिटेक लिया कि ये ठीक नहीं है, ये फिर से करिए, फिर से करिए, तो उसमें 4-5 रिटेक में कुछ कुछ बातों को काट काट के एक न्यूज़ की तरह चला दिया और उसको सच और आधार मान करके कई लोगों को शेयर किया गया और इसका कहने के शिकार आज मैं हूँ। आज देख सकता हूँ मैं एक क्या कह सकते हैं पटना उच्च न्यायालय के शरण में हूँ और हम
इनसे यही अपनी जो क्या कहते हैं अपनी जो बेगुनाही है वो साबित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश हुआ हूँ। बाकी हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं हमारे वकील साहब। बाकी उस बीच में आपको मनीष कश्यप से कभी बात हुई थी? नहीं, मनीष कश्यप से कभी नहीं बात हुआ है और ना ही पर्सनली मैं जानता भी हूँ। पट्टी बांध दिया, इस बात को क्लियर कीजिए, पट्टी आपको सर में बांध दिया और उसके बाद दूसरे आदमी से आपको पिटवाया मरवाया? नहीं नहीं, वो मारपीट की कोई बात नहीं। न्यायालय क्या बोला, क्या इसके बाद? देखिए जैसे कि हम लोग को वहाँ बैठा दिया गया, ठीक है, इसके बाद फिर वो अपना मोबाइल लेकर के आया, इसके बाद पूछना शुरू किया कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है। अच्छा, सर कैसे पटा है, क्या बोला? ठीक है, वो देखिए जो भी स्क्रिप्ट था वो हमें याद नहीं, क्योंकि आज से ध्यान होगा आपको क्या बोले थे आप। वो शायद ये बोलते कि हम लोग को मारा पीटा गया है, जो हम लोग को तमिलनाडु में जो यहाँ के लोगों के द्वारा मारा पीटा गया है, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में हम लोग को सुनाया। ठीक है, इसके बाद फिर से हम लोग बोले, फिर बोला कि ठीक नहीं हुआ, फिर से बोले ठीक है, चार पाँच रिटेक लिया और रिटेक लेने के बाद जो भी उसको फाइनल लगा होगा फिर उसने कट पेस्ट करके उसको चला दिया। हाँ, चला दिया और एडिट करके अपलोड कर दिया और इसी वीडियो को मनीष कश्यप शेयर कर दिया। जी हाँ, शेयर कर दिया, इसी का परिणाम हुआ कि पूरा दंगा हो गया, लड़ाई फसाद हो गया। दंगे की जहाँ तक आप लोग बराबर, आप दोषी अपने आप को कितना मानते हैं? देखिए जहाँ तक आप बराबर दंगे की बात कर रहे हैं, दंगे उसके पहले हुए थे। जे ये मामला है 9-6 मार्च को ये वीडियो शूट हुआ था और तमिलनाडु और बिहार का मामला लगभग एक महीना उससे पहले से चल रहा था, छिटपुट हुआ था। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा था ना, आपकी बात, चलिए आपकी वीडियो को साइड करते हैं, हम कई सारे वीडियो देख रहे थे तो वो साफ साफ दिख रहा था कि वो वीडियो किसी फिल्म का पार्ट है, वो फिल्म का पार्ट दिखाया जा रहा है, न कि वहाँ की घटनाएं। उसी टाइप का यह एक फिल्म का पार्ट बना हुआ था, लेकिन उसको भी लोग, उसने जिसका हम नाम ले रहे हैं राकेश रंजन कुमार सिंह ने, उसको इस तरह से उसने चला भी केस है। हाँ, उस पर भी केस है, वो अरेस्ट है, वो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद से नहीं बात हुई है और नहीं कोई उसका अपडेट मैं देख पा रहा हूँ। अपडेट में दे रहे नहीं, तो आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप को क्या चाहते हैं? देखिए हम जहाँ तक है अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पटना उच्च न्यायालय के सामने हैं और हमारे वकील साहब की देख रेख में जो भी वो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। बाकी माननीय न्यायाधीश पर भरोसा है और जो भी इस केस को देख रहे हैं, हमारे जो भी शासन प्रशासन है सबका साथ और सहयोग कहीं कहीं मिल रहा है और सबको ये लग रहा है। देखिए कहीं कहीं बात ये भी है, जिस तरह से हमको शासन प्रशासन सहयोग कर रहे हैं उनको, जहाँ तक मैंने बताया सब कुछ जो आपको बता रहा हूँ, तो उसने बताया कि नहीं कहीं कहीं आप निर्दोष हैं, लेकिन आपको ये निर्दोष साबित करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, जो कि जगह आपको आज तक हमको नहीं मिला था, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं और ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, इस केस को जो भी मॉनिटर कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, मोटिवेट करके, बरगला करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, मोटिवेट नहीं, बरगला करके वीडियो का एडिट करके आपके वीडियो को अपलोड कर दिया और उस वीडियो को मनीष कश्यप शेयर कर दिए और शेयर करने के वजह से वो आ गए कानूनी लफड़े में, कानूनी लफड़े में आप भी आ गए और वो भी आ गए। जी हाँ, तो इसमें मनीष कश्यप को आप दोषी मानते हैं? देखिए उसके इसके बाद क्या कुछ था, अगर जैसे कि हम बात करते हैं जिस व्यक्ति है वो जो राकेश रंजन सिंह, उसमें और मनीष कश्यप जी में उसमें क्या कुछ तालमेल है वो मैं, अच्छा वो दोनों की जान पहचान थी क्या, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, उसके ये हम बता रहे हैं, जिस आदमी ने वीडियो हमसे शूट करवाया उसने अपना नाम जब गलत बताया है तो फिर सोच सकते हैं उसका मनसूबा कहीं कहीं शुरू से ही असर रहा होगा कि फर्जी और फेक हमको कहीं कहीं इरादतन उसने किया है, नाम गलत बता करके हम मेरे साथ उसने धोखा किया और धोखे में सब कुछ उसने काम करके अंधेरे में काम करवा करके आज हमको अंधेरे में काम करके आपको अंधेरा में डाल दिया अंधेरे में। देखिए राकेश कुमार सिंह ने राकेश रंजन कुमार सिंह पहले इनको नाम बताता है हनी सिंह और हनी सिंह नाम बता करके इनको ये कहता है कि हम मोटिवेशनल जो है इंस्पायरेशन एक वीडियो बनाना चाहते हैं कि लोगों को मैसेज जाए कि इस तरह की जितनी भी वीडियो है वो ब्लफ है, गलत है, और उस वीडियो को काट के लिए इनसे एक्टिंग करवा करके दूसरा वीडियो बनवाया गया। लेकिन जो दूसरा वीडियो बनवाया गया तो इनसे रीटेक करवा करके इनको लग रहा है कि रीटेक हो रहा है, लेकिन वो रीटेक को फाइनल शॉट मान करके उस वीडियो में से पार्ट काट करके एडिट करके उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया, और वीडियो को अपलोड करने के बाद उसी वीडियो को जब मनीष कश्यप शेयर करते हैं तो उनके फॉलोअर ज़्यादा होने के कारण, शेयर होने के कारण सरकार में और कानून में ये बात फैली कि इनके वीडियो शेयर करने के कारण और दंगा वहाँ पर बढ़ रही है, और दंगा बढ़ने के कारण वो कानूनी शिकंजे में आ गए और आज मनीष कश्यप तमिलनाडु केस में जेल में रहने के साथ साथ आज पटना के बेऊर जेल में बंद है। तो ये अनिल यादव है, इन्होंने माना कि हमारे द्वारा एक्टिंग करवाया गया था, मैं उस वीडियो में था और मुझसे ये काम करवाया गया था जिसके वजह से ये सारी बात हुई। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।